काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे आप पूरा एक बार में खा सकते हैं, है ना। तो मैं ये स्टंट करने जा रहा हूँ, है ना, एक बार में खाऊंगा पूरा। वेट बोलूँगा मैं एकदम मुँह में खाया मैंने, पूरा घुल गया। जैसे मेरे व्लॉग्स होते नॉर्मली सिनेमैटिक व्लॉग्स वैसे होंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने ना कोई या इट्स अ काइंड ऑफ फूड व्लॉग। एंड और हाँ, इंट्रो की बात आई, मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर है, एक फूड ब्लॉगर है, वो बेसिकली कोलकाता से ही है, वो भी द लेजी बॉन्ग करके। मुझे पता है वैसे भी मेरा वीडियो उन तक के पहुँचने नहीं वाला है, सो हियर आई एम कॉपिंग हिज इंट्रो। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज शोइकत, यू आर वॉचिंग ट्रैवलिंग वॉन्डरर, स्टे हाई ऑन कोलकाता। जैसा दिन जाता है, हर वीकेंड जैसा जाता है, घर पे बैठे थे, दोपहर हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, देन माय ब्रदर शोड अप। ये मेरा भाई है, भाई दादा जो भी बोल सकते हैं, हम लोग साथ में एक ही घर में रहते, सो ही शोड अप एंड ही वाज लाइक चल बिरयानी खाने चलते, सो वी हॉप्ड ऑन अ ट्रेन एंड यस वी आर हियर इन मध्यम ग्राम। ये कोलकाता ही बोल सकते हैं आप, लाइक कोलकाता में ही आता है, एंड वी आर हियर फॉर सम डिलीशियस बिरयानी। हियर इज़ माई ब्रदर गौरव, ये भी वीडियो बनाता है, ही इज़ अ फूड ब्लॉगर बट फूड ब्लॉगिंग करता है, सो आप इसका चैनल देख सकते हैं, इट्स अ बंगाली चैनल, स्टूपिड स्टूडियो। मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसके चैनल में खाना देख सकते, फूड ब्लॉगिंग देख सकते, और मेरे चैनल में आप घूम सकते, ट्रैवल कर सकते। लेकिन आज हम काइंड ऑफ एक मिक्स वीडियो बनाएंगे, लेट्स टेस्ट सम ऑथेंटिक कोलकाता बिरयानी, राइट गौरव? या सो वी आर टेस्टिंग सम ऑथेंटिक कोलकाता बिरयानी। তো ফাইনালি আমাদের হাতে পৌঁছে গেছে সেই মটন বিরিয়ানি আর চিকেন বিরিয়ানি। আর চিকেন বিরিয়ানি দুই ভাই দুটোই টেস্ট করব, কোনটা কেমন রিভিউ দেব। তো ফার্স্টে ব্রো আই খেয়ে বলো কেমন। সো हम लोग ट्राई कर रहे कोलकाता बिरयानी, और कोलकाता बिरयानी विदाउट आलू इज नॉट पॉसिबल। कोलकाता बिरयानी हबे ही ना, एकदम हबे ना। सो हमारे पास है एक बड़ा आलू का पीस एंड वी हैव सम चिकन हियर आल्सो। और मैं पहली बार फूड ब्लॉग बना रहा हूँ, सो थोड़ी गलती हो गई तो माफ़ कर देना, है ना। मैंने खाना शुरू कर दिया, जितना भी खाया लाइक 40 रुपीज़ में, इससे अच्छा बिरयानी मैंने अभी तक के नहीं खाया। मैंने ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे बिरयानी खाया, हैदराबाद, मतलब बिरयानी मेरा गो टू फूड है, ठीक है, और बहुत लोगों का गो टू फूड होगा, लाइक आई कैन डाई फॉर बिरयानी, मुझे बिरयानी इतना पसंद है। तो जब भाई ने बताया कि दिस इज़ फॉर 40 रुपीज़, तो मैंने बोला कि यार भाई अच्छा नहीं होगा, क्यों लेके जा रहा है, 40 रुपये में चिकन की जगह कुछ और दे दिए, कौवा बिरयानी खिला दिए, तो क्या पता। लेकिन चिकन का पीस लाइक क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑसम। बहुत बोरिंग सा दिन भाई ने इंटरेस्टिंग बना दिया है, सो ऑल थैंक्स टू हिम कि एक इतना बोरिंग सा वीकेंड मेरा जो जा रहा था वो भाई ने इंटरेस्टिंग बना दिया। और अभी बिरयानी के बाद और भी कुछ ट्राई करेंगे ना, थोड़ा स्वीट्स वगैरह ट्राई करेंगे कोलकाता के आए हैं तो। एक्चुअली घर पे आने से क्या होता है ना कि कुछ कहीं निकलना नहीं होता, थोड़ा बहुत काम चल रहा है घर का, कंस्ट्रक्शन का, तो कहीं निकलना नहीं होता, तो भाई ने आज बोला और हम हैं अभी शहर में, देखते क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते, थोड़ा बहुत दिखाएंगे जो भी करेंगे, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड, मैं खाता हूँ, अपन अच्छी जगह पर मिलते हैं।
टॉपिक पे हम एंड करना चाहते थे कुछ मीठे के साथ, सो दैट्स व्हाई वी हैव कम टू वन ऑफ द फेमस मिष्टी दुकान। मिष्टी दुकान मतलब मिठाई शॉप, और ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, आपको हर गली मोहल्ले में मिठाई शॉप्स मिल जाएंगी। सो वी आर हियर टू टेस्ट सम ऑफ द मिष्टी मिठाई, कुछ मिठाई टेस्ट करेंगे हम। पहले वाइट वाला था, अब ये चॉकलेट फ्लेवर का कुछ तो भी है। सौंदेश में चॉकलेट मिक्स किया होगा ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो अब इसको ट्राई करते, भाई के लिए एक लिया, मेरे लिए एक लिया, तो पहले इसको ट्राई करते फिर रसगुल्ले की ओर चलेंगे, है ना। काफ़ी मेहनत वाला काम है इसको। इट्स लाइक आपने कोई चॉकलेट बॉल खा लिया हो, हम लोग डेरी मिल्क खाते हैं ना, उसके साथ सौंदेश का फ्लेवर मिक्स है इसमें, है ना। तो डेरी मिल्क वाला दूध और चॉकलेट का मिक्स भी, और उसके साथ सौंदेश जैसा टेस्ट आता है, दोनों का मिक्सचर है। सो एक भाई हुआ, खाना बहुत टफ प्रोसेस है, भाई तो प्रो है, इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कॉमन है बट हमारे लिए नया है। इसको तो दिखाओ। सो यू कैन सी द चॉकलेट डिपिंग इनसाइड दिस, एंड पूरा चॉकलेट का लेयर है, बट बेसिकली ये सौंदेश ही है ना, सौंदेश है बस उसके ऊपर से चॉकलेट का लेयरिंग है। स्टिकिंग टू द बेसिक्स, और हम अभी ट्राई करेंगे, दिस इज़ नॉट गुलाब जामुन, इसे रेडी के नहीं कहते, एंड वो रसगुल्ला है। सो बेसिक जो मिठाई है बंगाली स्वीट्स में, वो ट्राई करेंगे हम अभी। जो कोलकाता जिसके लिए जाना जाता है ना, तो वो रसगुल्ला है। आप देखिए कितना सॉफ्ट है ये, काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे आप पूरा एक बार में खा सकते हैं, है ना। तो मैं ये स्टंट करने जा रहा हूँ, है ना, एक बार में खाऊँगा पूरा। वो वेट बोलूँगा मैं एकदम मुँह में खाया, मैंने पूरा घुल गया, मीठा एकदम कम। जैसे हमारे मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी मीठा रसगुल्ला बना देते हैं और कहते हैं कि ये रसगुल्ला है, बट दिस इज़ द ओरिजिनल रसगुल्ला। और इसके साथ ही गुलाब जामुन नहीं है, ये भी छेने से ही बनता है, इसे लेडी के नहीं कहते हैं यहाँ पे। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रसगुल्ला, एक्चुअली इसको फ्राई करते और वो वाला जो रहता है उसको फ्राई नहीं करता। ये दूसरा स्टंट, सो और एक स्टंट परफॉर्म करने जा रहे, ठीक है। ये तो गरम भी था, ऐसा नहीं मानो ना, एकदम ताज़ा फ्रेश पूरा गरम था, ये काफ़ी प्यारा टेस्ट था इसका। ये सब खा रहा हूँ ना तो पूरा फूड ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मिठाई ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, थोड़ी बहुत रिकॉर्ड किया हूँ, सारी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने बोला था वो लास्ट है, मतलब रसगुल्ला और लेडी के नीचे था, लेकिन उसके बाद ये दिख गया तो ये भी खा लिया। एक हम लोग जैसे श्रीखंड खाते हैं ना, जैसे आम्रखंड जो खाते हैं, वैसा वाला वाइब है थोड़ा। दही मिष्टी दोई, भाई तू भी दही मत बोल। सो इट्स नॉट दही, इट्स दोई, मिष्टी दोई, मैंगो दोई, मैंगो मिष्टी मैंगो दही। हम लोग अभी न्यू मामानुषा में आए हैं, ये यहाँ का काफ़ी फेमस शॉप है हापड़ा का। सो काफ़ी प्यारी स्वीट्स है यहाँ की, मुझे तो और खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन घर पे जाके खाना भी खाना है। सो अभी के लिए यही रखते हैं, यहीं तक के, बाकी कभी फिर से आएंगे, फिर से ट्राई करेंगे। सो गाइस, ट्राइड मेकिंग अ फूड ब्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन योर फीडबैक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।